चलो आपके क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपके कुछ डाउट्स थे, ज़रा डाउट्स को क्लियर करते हैं ना। क्या क्या डाउट्स थे आपके? लेट मी चेक। मेरे को ये दो डाउट आ रहे थे सर। पहला तो ये कि ये जो पेज नंबर 38 पर जो प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसके अंदर सर हमने मतलब इसको ग्लास रॉड से क्यों हिलाया है, नॉट क्यों नहीं हिलाया, खून से क्यों नहीं हिलाया? तो बेटा आपने तो पूछा ना कि आपने इसको ग्लास रॉड से क्यों हिलाया है और किसी से क्यों हिलाया है, वो जस्ट एग्जांपल है। वो जस्ट क्या एग्जांपल दिया है उन्होंने कि आप ग्लास रॉड से मिक्स करो, आप उसे तो कितने और से भी कर सकते हो, स्टील रॉड ले लो, आप स्पून ले लो, आप कुछ भी ले लो, वो उन्होंने एक जस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है, वो केवल जस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। 2 सेकंड रुको जरा, बिना विंडो किए, बिना विंडो क्लोज किए काम होता नहीं है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक तो आपका डाउट क्लियर हो गया, नेक्स्ट आपका डाउट क्या है? और सर दूसरा डाउट, हाँ जी सर, एक चीज मेरे को ये और पूछनी थी। अब सर अगर जैसे हम मतलब अगर इन्होंने कहा कि हम कोई भी टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर वाटर के अंदर नाइट्रेट को मतलब डिसॉल्व कर सकते हैं। अब सर अगर जैसे मैं वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लेकर चलता हूँ, तो सर आप जैसे अगर उसके अंदर मैं नाइट्रेट डिसॉल्व करूंगा फिर सर उसको अगर स्टील करूंगा तो सर स्टील करने से थोड़ा सा टेम्परेचर कूल नहीं हो जाएगा? सुनो जरा इस लाइन को पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है वहां पे? अंदर है हाँ, ये आपको कहाँ लिखा हुआ है नाइट्रेट वाला एग्जांपल? सर थोड़ा ही हो लेकिन सर थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ना, जब तक मैं इसको करता रहूंगा बार बार तो उससे तो उसका टेम्परेचर में फर्क पड़ जाएगा अगर हम हॉट लेकर चलेंगे तो फिर। आज जी जरा सर सुनो, मैं देखो ये चीज, आपको एक एग्जांपल दे रहा है, यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आपका डाउट है तो क्लियर नहीं है मुझे। हाँ बस तो समझ में आया कि आपके अनुसार तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर फिक्स नहीं रह पाएगा। आपका ये डाउट है ना, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, फिक्स नहीं रह पाएगा। तो वहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखी जरा समझो जरा। रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। वो बात क्या कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? वो सॉलिड की बात कर रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर। सॉरी इसकी बात मत करो, हाँ सॉलिड कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ, हाँ यहाँ पर जो टेन ना जो टेम्परेचर की बात करते हो, बात करें सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो एक गिवन टेम्परेचर पर, जो गिवन टेम्परेचर पर और उस सॉलिड को डिजोल्व ना कर पाए, यानी सॉल्यूशन के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट बात ही नहीं कर रहा, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। पहली बात तो ये, वो किसकी बात कर रहा है? वो सॉल्यूशन के टेम्परेचर की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आपने सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन बना रहे उस टाइम पे क्या टेम्परेचर, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। वो सॉल्यूशन बनाते टाइम उसका क्या टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर में चेंज है, ये नेचुरल है तो, लेकिन उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो बात कर रहे हैं आपने सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया, अब आप उसमें डिजॉल्व कर देखो। आपने सॉल्यूशन बना लिया, अब उसका जो टेम्परेचर आया होगा, अब जो सॉल्यूशन बनेगा जो उसका टेम्परेचर है, क्या आप उसी टेम्परेचर में अगर आप और डिजॉल्व करोगे
अगर डिजोल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर डिजोल्व हो पा रहा है तो वो अभी सैचुरेटेड नहीं है, अगर डिजोल्व नहीं हो पा रहा है तो वो सैचुरेटेड है, वो जो वाली बात कर रहा है। यानी कि बात को सॉल्वेंट या सॉल्यूट के टेम्परेचर की बात करें ना, वो कह रहा है सॉल्यूशन जब बन जाएगा तब उसकी बात कर रहा है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट आपका आपका सॉल्यूशन बन गया, अब सॉल्यूशन बनने के बाद देखो टेम्परेचर क्या है। अब सर जो सॉल्यूशन बन चुका है आपका, जो भी आपने बनाया हो, जिस किससे बनाया था, नाइट्रेट से बनाया था, किससे बनाया, अब आपका सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन बन गया, अब देखो इसका टेम्परेचर क्या है। लेट्स सपोज का 40 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। अब इसमें चीज़ें डाल के देखो, अगर चीज़ें डाल के देखो, अगर सब चीज़ें मिक्स हो रही हैं, चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो ये सैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है। अगर चीज़ें और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो पा रही तो ये क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया, ठीक। वो सैचुरेटेड हो गया, चीज़ें डिजॉल्व नहीं हो पा रही। तो अब सर अगर हो गया, अगर हो गई कोई चीज़ डिजॉल्व हो गई, तो अगर इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, ऑब्वियसली आएगा, और जब आएगा तब ये सॉल्यूशन एज अ सॉल्यूशन काम करेगा नहीं, फिर सॉल्यूशन सॉल्वेंट बन जाएगा। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। देखो एक हमने वाटर लिया, वाटर में शुगर डाली, वाटर में शुगर डाली, ठीक है, क्या बन गया ये स्वीट वाटर। स्वीट वाटर इसको मैं क्या बोलूँगा अभी सर, ये मेरा हो जाएगा सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूट, ये क्या हो गया मेरा सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप मेरे से क्वेश्चन बोलो अभी, देखो इसके दो चीज़ें हो सकती हैं, इसके दो चीज़ें हो सकती हैं, इसके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है इसके साथ दो चीज़ें, या तो चीज़ें और डिजॉल्व हो सकती हैं, या तो और चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी, और चीज़ें और डिजॉल्व हो जाएंगी, कुछ चीज़ डिजॉल्व नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो हम उसको बोल देंगे सैचुरेटेड हो गया। ये क्या हो गया, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। या फिर सर डिजॉल्व हो जाए, तो आपका डिजॉल्व हो गया, सपोज करिए वाटर का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री मान लें, 20 डिग्री मान लें, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर आप यहाँ पे, आप थोड़ा सा अपने अपने अभी सैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड नहीं है। अब आप इसमें थोड़ी सी चीज़ें मिक्स करो, थोड़ी सी चीज़ें मिक्स करो, इसमें से आपने थोड़ी स्वीट शुगर डाली, थोड़ी शुगर और डाली, ये सर बन गया। अब ये सर बन गया और स्वीट, अभी और मोर स्वीट बन गया, ठीक है। मोर स्वीट मोर शुगर डाली आपने, मोर स्वीट मिल्क बन गया, मोर स्वीट वाटर बन गया, ठीक है। अब हो सकता है इसका सर जो टेम्परेचर है ना, अभी इसका जो टेम्परेचर है, पहले मैंने कह रहा था 20 लिया था, तब हो सकता है इसका 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए। आप इस चेंज की बात कर रहे हो, क्या चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जरा इक्वेशन को समझो, वो क्या कह रहा है, वो बात इन एटमों की कह रहा है। अब आप यहाँ पे ना, अब आप जब इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, यहाँ पे मिक्स कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे क्या वाटर को स्वीट वाटर को सॉल्व में ऐसे लिख दूँ, तो जब इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, अब ये स्वीट वाटर है सॉल्यूशन नहीं देखा जाएगा। आप ऐसा स्वीट वाटर का पहले सॉल्यूशन नहीं देखोगे, अब स्वीट वाटर को पता है एज अ सॉल्वेंट देखा जाएगा। अभी सॉल्यूशन रहा ही नहीं, जब आप इसमें और चीज़ मिक्स कर रहे हो ना, फिर सॉल्यूशन रहा ही नहीं। अभी अगेन क्या बन गया, सॉल्वेंट बन गया, और ये आपको सॉल्यूट बन गया। और अब जो आपका नया, अब जो आपका बनेगा ना, अभी आएगा सॉल्यूट सॉल्वेंट, वो सॉल्यूशन। तो वही मैंने कहा कि टेम्परेचर अब इसका देखा नहीं आएगा, ये जो टेम्परेचर की जो बात हुई है, ये अब इसका टेम्परेचर है, ये तो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट का टेम्परेचर तो देखा ही नहीं था। टेम्परेचर देखा था सॉल्यूशन का, टेम्परेचर किसका देखा था, सॉल्यूशन का, ठीक है। आपका नेक्स्ट डाउट क्या है? जी सर, मैं ये चीज कह रहा था कि आपने वीडियो में एक चीज ये कही थी कि मैं सैटरडे की आपको वीडियो भी भेजूंगा और पढ़ा भी दूंगा, लेकिन सर आपने देवांशी की वीडियो तो मेरी तो कोई भी थी, लेकिन मेरी तो कोई वीडियो बनाकर भेजी नहीं एक्स्ट्रा। सर मैं ये चीज पूछ, सैटरडे को मैंने आपसे कब बोला था कि मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा? सैटरडे को क्या डेट थी आपकी? सैटरडे आपको 31st था ना? थर्टी फर्स्ट, अच्छा। आप उस दिन कह रहे हो, उस दिन मैंने दीवान से की एक्स्ट्रा क्लास ली थी,
तो बेटा मैंने ये कभी बिल्कुल नहीं बोलता कि मैं आपकी बेटा अलग से भेजूंगा या मैं देवांशी को और एक्स्ट्रा भेजूंगा। मैंने देवांशी को एक्स्ट्रा बोला था, मैंने बोलता कि आपको तो टाइम है ना, आपको टाइम में देवांशी को 2 घंटे थे पढ़ाने में, कोई 2 घंटे थे, या तो 2 घंटे में आप दोनों को मैं पढ़ा लेता, या 2 घंटे में 1 1 घंटे, या फिर 2 घंटे में उसको पढ़ा लेता, या फिर 2 घंटे में 1 घंटा, उसको 1 घंटा आपको पढ़ाता। तो मैंने उसे 1 घंटा आपको उसको पढ़ाया था मैंने, कि मैंने उसको 1 घंटे की उसके लिए वीडियो बाद में रिकॉर्ड, उसके लिए वीडियो बाद में रिकॉर्ड की, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि 2 घंटे पहले मैं उसको पढ़ाऊँ फिर 1 घंटे आपका वीडियो रिकॉर्ड करूँ, तो उतना टाइम में नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो ये डाउट, तो ये आपका डाउट आई थिंक सॉल्व हो गया होगा, कोई डाउट था भी नहीं, क्वेश्चन था आपका एक जनरल। फिर एक आपका क्वेश्चन और, जो देखते हैं क्या है। मैं ये चीज पूछ रहा हूँ कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर भी हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, और सर ये से अगर हम सर अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो उसके अंदर भी सर हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर ही सकते हैं, कंसेंट्रेटेड के अंदर भी हम डिसॉल्व कर ही सकते हैं, तो सर मतलब इनमें डिफरेंस क्या हुआ आपस में? हाँ, इनमें डिफरेंस लेवल का डिफरेंस है, लेवल का, लेवल थिकनेस का। डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या बताता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन डेफिनेशन को जरा, डेफिनेशन को पढ़ाओगे तो डाउट हो गया ना किस चीज में, तो उसका मीनिंग पे देखो, मीनिंग पे, मीनिंग क्या कहता है, और देखो मीनिंग किस तरफ फोकस देना सर, आप जिस तरफ ले जाना सर उस तरफ मत ले गए। साइंटिस्ट तो ना एक नाम रहा है, ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि मतलब इसका कोई हमेशा से कोई नाम था, साइंटिस्ट तो ने इन चीजों को एक नाम रखा। अब नाम जिस पर्पज से रखा, क्या बस पर्पज से डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हो? तो देखो ये क्या है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन के बारे में बात क्या कर रहा है, क्या वो ये कह रहा है कि इसके अंदर ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा, इसके अंदर कम डिजोल्व हो जाएगा, या फिर वो ये कह रहा है कि डायलूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होता है, वो यहाँ पे कम जाते की बात ही नहीं करी, तो आप इसमें डिफरेंस कर ही नहीं सकते, पहले तो डिफरेंस कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बात करते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा, यहाँ पर सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। हाँ, अगर फिर भी डिफरेंस करना चाहो कि दोनों में क्या है, सब हमें डिजोल्व तो हो रही है, तो डिजोल्व तो वो बात हो रही लेवल की, यहाँ पर जो डिजोल्व हो रहा है ना, यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट सॉरी सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम कम है तो कम डिजोल्व होगा, तो यहाँ पर जो डिजोल्व होगा, यहाँ पर जो डिजोल्यूशन होगा वो थोड़ा कम होगा, यहाँ पर जो डिजोल्यूशन होगा वो कम होगा, कंसनट्रेटेड में थोड़ा ज्यादा है तो इसके अंदर थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा डिजोल्यूशन होगा। सैचुरेटेड के अंदर क्या होगा, सैचुरेटेड के अंदर ऑलरेडी हो चुका है, अब और नहीं होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कहते हैं सॉल्यूशन इसके अंदर डिसॉल्यूशन हो चुका है, अब और नहीं होगा, इसके अंदर डिसॉल्यूशन हो चुका है, अब और नहीं होगा, अब और नहीं, अब और नहीं, वो थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली आप क्यों आप बोले, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सुपर सैचुरेटेड, कि थ्योरेटिकली बुक के अकॉर्डिंग हम इसमें नहीं कर पाएंगे, रियल में तो हम कर सकते हैं, तो हम बुक के अकॉर्डिंग चलो, अब और नहीं, अब और नहीं, अब आप इसमें अब और डिजॉल्व नहीं कर सकते, मैं शॉर्ट में लिखूँ आप सुनते आ रहे हो लिखते आना, अब और नहीं, अब और नहीं, इसमें आप अब और डिजोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अस लिखा हुआ है सुपर में, क्या लिखा हुआ है सुपर सेचुरेटेड में, अंदर क्या कर सकते हो, थोड़ा और 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 कर सकते हो, लेवल ऑफ रिजोल्यूशन की बात की आ रही है। डायलेट के अंदर बहुत कम रिजोल्यूशन होता है, कंसनट्रेट में थोड़ा ज़्यादा होता है, और क्या कहते हैं आपका सैचुरेटेड में बहुत ज्यादा ऑलरेडी हो चुका होता है, ऑलरेडी हो चुका होता है तो अब और नहीं होगा, और सुपर सैचुरेटेड उसकी लिमिट को थोड़ा सा क्रॉस करके उसमें कहते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन और हो जाएगा, थोड़ा सा डिसॉल्यूशन और हो जाएगा, थोड़ा सा और है ना, थोड़ा सा और, ये डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और हो जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंस था। आई थिंक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए, थोड़ा सा करते हैं। वैसे मैंने क्या सोचा था कि आज का ये डाउट में कंप्लीट करवा देता, पर होगा नहीं, अभी दो क्लास में हो ही जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, बेसिकली बात क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि प्रेशर का या फिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा गैसेस की सॉल्युबिलिटी पर, अगर हम गैसों को, गैसेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, अगर हम गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सर गैस डिजोल्व होगी, तो गैस डिजोल्व होगी तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी, गैस के अंदर से एबिलिटी डिजोल्व होने की, उस एबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा प्रेशर का और टेम्परेचर का, यार प्रेशर का और टेम्परेचर का
क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये बेसिकली इसमें बताया गया है। तो पहले पढ़ते हैं प्रेशर, मतलब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। अब यहाँ पे प्रेशर, एयर प्रेशर की बात ही नहीं कर रहा। अब वो कह रहा है अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, एक फोर्स होती है, दबाव होता है ना, वो प्रेशर कहाँ इंक्रीज हो रहा है? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर एक दबाव इंक्रीज हुआ, एक प्रेशर, एक फोर्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा, वो सॉल्युबिलिटी का गैस बढ़ा देगा, यानी कि इसमें कैसा रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है अगर आपको पता नहीं हो तो। दो तरह के रिलेशनशिप होती हैं, डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट और इनवर्स, डायरेक्ट मतलब क्या, एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ा, एक गिरा दूसरा भी गिरा, यानी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चीज हो रही है, सेम डायरेक्शन में हो रही है, सेम डायरेक्शन में हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, है ना। अगर चीज अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, जैसे कि एक बढ़ा दूसरा गिरा, दूसरा गिरा एक बढ़ा, तो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है, उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशन, है ना। तो यहाँ पे दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ते हैं, यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट, है ना। एट एनी गिवन टेम्परेचर, एट एनी गिवन टेम्परेचर द मास ऑफ गैस, जो गैस का जो मास होता है वो क्या डिजोल्व हो जाता है, परफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ऑब्वियसली होता है वो कुछ खाली जगह पर जाकर डिजोल्व होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द सरफेस। यानी ये बता दो बात कर जो मैंने बताया था, कि वो डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये जो लॉ है ये किसी ने डिस्कवर करके दिया था, ये किसी ने डिस्कवर किया था, एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया, और इसी के नाम पे लॉ भी बन गया, हेनरीज लॉ बोलता है इस लॉ को। इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये जो लॉ है इस लॉ को क्या नाम दिया जाने लगा, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है ये, इन वाटर अंडर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज रेदर लो। वो कह रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, वो भी एक नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर में, तो सर उसका जो सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी है ना, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होगी, है ना, कम होगी। बट वेन द वाटर सरफेस इज सब्जेक्टेड टू हायर प्रेशर, लेकिन वाटर में अगर प्रेशर लगाओ, वाटर में प्रेशर बन रहा हो, वाटर में अगर प्रेशर बन रहा हो, तो अलॉट मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन इट, यानी उस टाइम पे उसकी क्या हो जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जैसा कि हम किसमें देखते हैं, सोडा वाटर में देखते हैं, हम सोडा वाटर में देखते हैं, ठीक है। ऑन ओपनिंग द सोडा वाटर बॉटल द डिजोल्व गैस रैपिडली बबल्स, तो जो डिजोल्व गैस होती है सीधे सीधे कैसे बबल बनाने लगती है, बट सिंस द प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर सडनली डिक्रीज, और जैसे भी इसमें प्रेशर कम हो जाता है या फिर वो नॉर्मल एंड नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर में, तो सारे बबल्स वगैरह क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इफेक्ट तो बताया उन्होंने प्रेशर का, और दूसरा इफेक्ट बता रहे टेम्परेचर का। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कॉज द डिक्रीज इन सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। वो कह रहे हैं यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का आपने टेम्परेचर कम बढ़ाया बढ़ाया, तो जो गैस की सॉलिबिलिटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। ये हमें ऊपर ही पढ़ता है, एक्सेप्शन होता है गैसेस के किस में उल्टा होता है, ये मैंने ऊपर भी लिख पढ़वाया था आपको, ध्यान हो तो कहीं पर, है ना। दस ऑन बॉइलिंग वाटर लूजेस इट्स टेस्ट, और इसी वजह से वाटर क्या करता है, बॉयल होने पर अपना टेस्ट लूज कर देता है, उस टेस्ट लूज कर देता है। हमने पढ़ा था ना कि प्योर वाटर जो होता है वो टेस्ट लेस होता है, लेकिन वाटर में फिर भी टेस्ट आता है, तो टेस्ट क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ वो होती हैं, कहते हैं वो होती हैं, कहते हैं क्या बोलते हैं, काफी गंदगी होती है, काफी गंदगी होती है, ठीक है। उसके अंदर मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, हाँ क्या हाँ क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है एकदम से, हाँ इम्प्योरिटीज, सॉरी हाँ इम्प्योरिटीज ध्यान आ गया, क्योंकि वर्ड के अंदर क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज गैसेस की वजह से भी आती है, बाहर की डस्ट वगैरह की वजह से भी आती है। तो जैसे हम बॉयल करते हैं तो वो जो गैस होती है, वो गैस ऑलरेडी क्या होने लगती है, भागने लगती है, गैस क्या होने लगती है, वहाँ से वाटर से निकलने लगती है, तो उसका जो फ्लेवर होता है वो फ्लेवर चला जाता है, और पानी हमारा टेस्टलेस हो जाता है, ठीक है।
डिक्रीजेस द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, दस दैट इज कॉल्ड, दैट इज बाय चिल्ड सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल गिव्स आउट लेस फिज. क्या मतलब इसका समझाता हूँ कि मैं तो बस ये लिख लो कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. इनवर्स डिक्रीज इन टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर कम करो और सॉलिबिलिटी बढ़ाओ, सॉलिबिलिटी गैस की बढ़ाओ, ठीक है. दैट इज वो कह रहा है टेम्परेचर जैसे आपने डिक्रीज किया तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ जाएगी. तो वही कह रहा है, यही रीजन है कि अगर आप दैट इज व्हाई चिल्ड सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स गिव्स आउट टू लेस फिज. मतलब सुनने में क्या लिखा हुआ है, फिज का मतलब क्या होता है आप बताओगे जरा मुझे. सर आप सुन तो पाओगे नहीं, आप बताओ मैं सुन लूंगा. नहीं पता कैसा आप बोतलों पर जाते हो, आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतलें कहते हो बस उसको हिलाया है, हिलाते हैं उसमें से बबल्स बनने लगते हैं, बबल्स बनने लगते हैं अगर उसके अंदर खोल दो तो आवाज़ आती है बबल्स की, उस आवाज़ को बोलते हैं फिज, उस आवाज़ को क्या बोलते हैं फिज. तो इसी वो कह रहा है यही रीज़न है कि ठंडी ठंडी जो सॉफ्ट चिल्ड वाटर होता है, चिल्ड सॉफ्ट एकदम ड्रिंक होती है चिल्ड एकदम, बहुत कम होता है टेम्परेचर, बहुत कम होता है वो ऐसा साउंड देती है, ऐसा साउंड देती है. ऐसा साउंड क्यों देती है, क्योंकि उनके अंदर गैसेस बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं, गैसेस डिजॉल्व हो जाते हैं तो गैस डिजॉल्व होने पर साउंड देती हैं, गैस डिजॉल्व होने पर क्या देती हैं, साउंड देती हैं. एक काम किसी जा रही है, एक अच्छी चीज आ रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है, ध्यान देना जरा इस पर, ध्यान देना जरा. क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन सर, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ आपको बिना पढ़े, तो क्रिस्टल मतलब एक तरह का सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस. क्रिस्टलाइजेशन क्या है, सर उसी सॉलिड सब्सटेंस को यूज़ करके हम कुछ काम करते हैं, उसी सॉलिड सब्सटेंस को यूज़ कर कर हम कुछ काम करते हैं, उस काम को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. बेसिकली काम भी नहीं होता, एक तरह की प्रोसेस होती है कुछ करने की प्रोसेस होती है, लेकिन उस प्रोसेस में ना इसको क्रिस्टल को यूज करना पड़ता है, तो इसलिए उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन देते हैं. सर एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग पढ़ते हैं इसमें. अ क्रिस्टल इज अ होमोजीनियस सॉलिड, एक होमोजीनियस सॉलिड होता है, ठीक है, एक होमोजीनियस सॉलिड होता है, ठीक है, ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप. सर इसकी शेप भी कैसी होती है, डेफिनेट होती है, इसकी डेफिनेट डेफिनेट होती है, यानी कि टाइम टू टाइम चेंज होती है, चेंज नहीं होती. इट हैज सिमेट्रिकली अरेंज्ड स्मूथ प्लेन सरफेसेस, इट हैज सिमेट्रिकली अरेंज्ड स्मूथ प्लेन सरफेसेस विच मीट फॉर्मिंग द शार्प एजेस. वो कह रहा है इसकी नेचुरली, इसकी ऐसी शेप होती है इस क्रिस्टल की, मतलब इसके सरफेस वगैरह इस तरह से अरेंज होते हैं, सब कुछ इस तरह से अच्छे से अरेंज होता है ऑटोमेटिकली नेचुरली, है ना, कुछ करना नहीं पड़ता, जिससे ना उसके एजेस साफ होते हैं, जिससे उसके क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, साफ होते हैं, ठीक है, उसका नेचुरली ऐसा मतलब बनावट होती है उसकी. क्रिस्टलाइजेशन के बारे में क्या बता रहे हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में क्या बता रहे हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, यही मैंने बताया था, एक प्रोसेस है. वाइब्रस क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑब्टेंड बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो मतलब इनसे एक हम काम करते हैं, तो वो काम क्या करते हैं, काम ये वाला है कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी अगर दूसरे सब्सटेंस क्रिस्टल्स हैं तो उनको निकालते हैं, हम उनको निकालते हैं, उनको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बाय कूलिंग, हम ठंडा करेंगे, किसको ठंडा करेंगे, एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बोलते हैं इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें डिजॉल्व नहीं हो सकती थी, हाँ अब डिजॉल्व नहीं हो पा रही, तो और जो डिजॉल्व चीज़ें हैं उनमें से हम क्या करेंगे, क्रिस्टल्स निकालेंगे, उनमें से हम क्या करेंगे, क्रिस्टल्स निकालेंगे उनको ठंडा करके, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है. ऑल क्रिस्टल्स ऑफ अ प्योर कंपाउंड आर ऑफ सिमिलर शेप, जितने भी क्रिस्टल्स होंगे प्योर कंपाउंड के वो सारे के सारे कैसे होंगे, सेम शेप के होंगे, है ना, सिमिलर शेप के होंगे,
बट दोज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स में भी ऑफ डिफरेंट शेप, लेकिन इसके कंपाउंड अलग अलग होंगे, उनकी शेप अलग अलग होगी। और ये क्यों होगी, हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड वगैरह कैसे हमारे शेप में इन्वॉल्व रहते हैं। सम शेप्स इन दोज क्रिस्टल्स एग्जिस्ट आर, आपके शेप में रहते हैं तो वो आपको बता रहे क्यूबिक शेप में। एग्जाम्पल इधर उन्होंने सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कुछ होता है रोमबेरिक केस में, है ना, ये आपको कॉपर सल्फेट है। एक आपको हो सकता है ऑक्टेहेड्रल शेप में, इसको बोलते हैं फेरम सल्फेट, इसको क्या होता है फेरम सल्फेट। एक हो सकता है प्रिज्मेटिक शेप में, इसके सात एजेस हों, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल उन्होंने दे दिया कि शेप में हो सकते हैं, शेप में हो सकते हैं। इन नेचर में भी सेवरल क्रिस्टल्स आर फॉर्म, काफ़ी सारे क्रिस्टल बनते हैं, सम ऑफ विच आर रिकवर्ड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, इसको हम अर्थ से निकाल भी लेते हैं मिनरल, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कॉमन सॉल्ट, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट के एग्जाम्पल, रूबी, सेफायर, डायमंड, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं। इन सम केस ड्यू टू ट्रेसेस ऑफ वाटर और इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन देम वगैरह, कभी कभी तो उनमें ना बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में मिल जाते हैं। अब वो कलर्स जो होते हैं ना, वो कलर्स किसकी वजह से होते हैं, या तो उनके अंदर पानी हो या गंदगी हो उनके अंदर, मतलब इम्प्योरिटीज हो, तो इम्प्योरिटीज अपना कलर छोड़ देते हैं उनके बीच में, तो वो ऐसे हमें दिखाई दे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर ऑफ रूबी, तो एक रूबी एक तरह का डायमंड है, तो उसके अंदर उसका उसका रेड होता है, उसका रेड कलर पता क्यों होता है, इसलिए ड्यू टू ट्रेस ऑफ मर्करी ऑक्साइड प्रेजेंट इन इट्स क्रिस्टल्स, क्योंकि उसके अंदर एक मर्करी ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर मर्करी ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जिस वजह से उसको वो अपना कलर इफेक्ट करता है रेड, है ना। इन लेबोरेटरी क्रिस्टल में भी ऑपरेट बाय द फॉलोइंग मेथड, ये क्या कह रहे हैं, नेचर में तो हमें रिकवर करके मिल जाते हैं, डिस्क्राइब वगैरह करते हैं तो हमें मिल जाती हैं, ठीक है, डिगिंग वगैरह करके, लेकिन लैब वगैरह में भी तो हम बनाते हैं, तो लैब वगैरह में कैसे बनाते हैं, तो लैब वगैरह में बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं क्रिस्टल्स को। पहला बाय कूलिंग हॉट सैचुरेटेड मेथड, ठीक है, या फिर सोचते हैं बस स्लोली एवापोरेटिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर पहले देखो दोनों तरीके सेम है, दोनों तरीके क्या सेम है, या तो आप कूल करके उसके अंदर से सब्सटेंस निकाल लो, या तो सब्सटेंस निकाल लो, या तो सॉल्यूट निकाल लो, या फिर सॉल्वेंट उड़ा दो, तो सॉल्वेंट उड़ा दोगे एवापोरेट, एवापोरेट मतलब कर क्या, उसमें से सॉल्वेंट वाला जो पोर्शन है, जो पानी वाला पोर्शन है उसको हटा दो, उसको हटा दोगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, तो फिर आपको सॉल्यूट ही बचेगा, दोनों तरीके मिल सकते हैं। या फिर क्या कह रहे हैं बाय कूलिंग द फ्यूज्ड मास, इसको हम बाद में देखते हैं क्या है ये, बाय सब्लिमेशन, ये प्रोसेस बाद में देखते हैं, ठीक है, ये दो क्यों सर आपने भी समझाया, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं ना, इसलिए समझाया कि नहीं समझाया, प्रोसेस समझाई नहीं, चलो अच्छी बात है, वैसे तो नहीं समझाई तो अच्छी बात है, पता है क्यों, पूछेंगे नहीं इसलिए। एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जरा, टू प्रिपेयर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, हमने कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाया 800 डिग्री सेल्सियस, और उसका सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन के जो टेम्परेचर है वो क्या है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है वो, ना सॉल्वेंट की ना सॉल्यूट की, वो किसी और की बात कर रहा है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, वो कह रहा है इसको फिल्टर करो, उसको क्या करो फिल्टरेट, इसको साफ करो, इसको फिल्टर करो, अलाउ द फिल्टरेट टू कूल एंड लीव इट फॉर अ डे, इसको फिल्टर करो, ठंडा करो और एक दिन तक छोड़ दो, नेक्स्ट मॉर्निंग आप ऑब्जर्व करना अ नंबर ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स विल बी सीन लाइंग एट द बॉटम ऑफ द बीकर, आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद आप देखोगे, नेक्स्ट डे जब आप देखो तो आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स है ना, आपको बॉटम ऑफ द बीकर यानी बीकर के नीचे, बीकर के नीचे गिरे हुए दिखाई देंगे। फिर कह रहे हैं पिकअप दीज स्मॉल क्रिस्टल्स, इनको उठाओ, वैसे वेल फॉर्म जो अच्छे से जिनकी शेप अच्छे से बनी है इनको उठा लो,
नाउ सस्पेंड अ वेल शेप्ड क्रिस्टल बाय मीन्स ऑफ अ थ्रेड टाइड टू अ ग्लास रॉड इनटू अ कूल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है कि जिसकी अच्छी से शेप, जिसकी अच्छी शेप है उसको ना धागे से एक रॉड में बांध दो, उसको एक रॉड में बांध दो और उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो सस्पेंड मतलब कर दो, छोड़ दो। कहाँ छोड़ दो? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में छोड़ दो और उसको ठंडा कर दो, नहीं ठंडे ही में, सॉरी ऑलरेडी ठंडा है, इनटू द कोल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठंडे सॉल्यूशन में डाल दो। फिर कह रहा है कवर द बीकर, कवर द बीकर, कवर द बीकर, बीकर बीकर को कवर करो विद अ पीस, विद अ पीस ऑफ पेपर, कवर द बीकर विद अ पीस ऑफ पेपर टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम गेटिंग इन। फिर क्या कह रहा है, कवर करो बीकर को, बीकर को क्या करो, कवर करो टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम गेटिंग इन इट, ताकि उसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना आ जाए। लीव द ब्रेकर अनडिस्टर्ब्ड एंड वॉच द क्रिस्टल ग्रो। अब आप देखो कि छोड़ दो सारी चीज़ों को, अब आप देखोगे कि उसके अंदर क्रिस्टल है ना वो ग्रो कर रहा होगा। हैं ऐसा भी होता है तो ट्राई करके देखना पड़ेगा, तो मैंने भी नहीं देखा कभी करके। ऑब्जर्वेशन में क्या कह रहे हैं, आफ्टर फ्यू डेज द क्रिस्टल विल बी फाउंड टू हैव ग्रोन क्वाइट बिग। कुछ टाइम बाद अगर आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। द सस्पेंडेड क्रिस्टल एक्ट्स एज अ सीड क्रिस्टल। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सीड क्रिस्टल ही बोलते हैं। सीड क्रिस्टल क्यों बोला, क्योंकि ग्रो हुआ है ना, तो ग्रो हम कौन सी चीज़ होते हैं, सीड भी ग्रो होता है, तो इस वजह से क्रिस्टल को हम क्या नाम दे देते हैं, सीड क्रिस्टल नाम दे देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग क्रिस्टलाइजेशन बाय एडिंग अ क्रिस्टल ऑफ अ प्योर सॉल्यूशन टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सीडिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, सीडिंग नाम देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, एक एडवाइस दे रहा है आपको, एक अवॉइड एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल्स और क्रिस्टल विल फॉर्म अराउंड देम एज वेल। वो कह रहा है कि डस्ट पार्टिकल्स को दूर रखो, नहीं तो ये चारों ओर ये क्रिस्टल से बन जाएंगे, चारों ओर क्या हो जाएंगे, उन डस्ट पार्टिकल से चारों ओर ये क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें खतरा क्या है पता नहीं, अब बात कर रहा है हाइड्रेटेड और एनी हाइड्रस सब्सटेंसेस की। शायद हमने क्या में जिक्र किया था स्टार्टिंग में, मुझे ध्यान है, अगर आपको ध्यान नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रेटेड सब्सटेंस और अनहाइड्रस सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंस को क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को रखते हैं अलॉन्ग विद सॉल्ट, अलॉन्ग विद सॉल्ट। सॉल्ट क्या हो सकता है, सॉल्ट बोलो, इसको सब्सटेंस का नाम दे रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट डी डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सर डेकाहाइड्रेट क्या हो गया, डेका, डेका मतलब पावर 10 है इसलिए डेकाहाइड्रेट। एंड कॉपर सल्फेट पेंटा, पेंटा मतलब क्या होगा, 5 पावर पेंटाहाइड्रेट। और हाइड्रेटेड सब्सटेंस इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सब्सटेंस बोलते हैं। शॉर्ट में बताऊँ ये तो बहुत ट्रिकी कर दिया उन्होंने, सिंपल द हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस वो जिनमें जो घीले होते हैं, घीले होने के लिए उनमें कौन से मॉइस्चर, उसी मॉइस्चर मतलब कि उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं, वाटर सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो एनी हाइड्रेसिस बोलते हैं जस्ट अपोजिट, सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंटेन एनी वाटर मॉलिक्यूल, तो जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते अपने साथ, जो सॉल्ट है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एनी हाइड्रस सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनी हाइड्रस सब्सटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, तो जो एग्जांपल ये है एनी हाइड्रस और ये सोडियम, सॉरी हाइड्रेटेड है ना। बाकी में होमवर्क देता हूँ, बाकी में कल ख़त्म करा दूंगा इस चैप्टर को, कल मॉर्निंग पहले आपकी वीडियो बनाऊंगा, बाद में देवंश की। फिफ्थ का ए, फिफ्थ के 3 हो जाएंगे, हाँ फिफ्थ पूरा ही हो जाएगा। ठीक है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब सिस्टम। अभी छोड़ो उसको, गिव द नेम्स ऑफ एंड फॉर्मूला ऑफ 2
टू सस्पेंशन इच केस, हाइड्रेटेड का आप दे सकते हो, एनी हाइड्रेस का आप दे सकते हो, ठीक है। ये ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, मैं नहीं बता रहा इसका ना कुछ भी, 8th वाला है ना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ये बताना। बस यही आपको होमवर्क है ना, ये कुछ 4-5 क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, और कुछ नहीं है, ठीक है। इनको साथ के साथ करते जाना, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता, मैंने सोचा था कि आगे होता हो जाएगा, पर वो होमवर्क में हमारे थोड़े डिस्कशन में टाइम चला गया, कोई बात नहीं।